बचपन आपका कैसे गुजरा और कैसे आप पहुंचे यहाँ? बचपन में मदर फादर मेरे नहीं रहे थे, तो हम नाना जी के पास रहे, डॉक्टर जी पी श्रीवास्तव, वो मेरे हार्ट स्पेशलिस्ट थे यहाँ के। उनके पास हमारा पूरा बचपन, कमला देवी संगीत महाविद्यालय ज्वाइन किया और वहाँ से क्लासिकल म्यूज़िक हम लोगों ने सीखना शुरू किया। गाना बजाना चालू था मेरा, मैंने आकाशवाणी के लिए ऑडिशन का भरा, उन्होंने बनाई माया, वो माया मैंने एडिट की थी। तो मैं किस तरह से फिल्म बनेगा वो आपने लोगों को दिखा दिया। बहुत से ऐसे लोग जो सही में टैलेंटेड थे, वो उन लोगों को एक मौका मिल गया कि भाई हम सस्ते में काम कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ पढ़ के या अपनी फिल्मों को देख के या पुरानी दूसरी फिल्में देख करके सीखने की कोशिश की है। तो ऐसी फिल्में बनाना बहुत कठिन है जो आपको 3 घंटे रोक सके टॉकीज में। अगर हम उसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हम बहुत पुराना सिनेमा दिखाने की कोशिश करेंगे जो आज की डेट के हिसाब से रिलेवेंट नहीं होगा। सीडी होता था जिसमें 8 गाने होते थे, पर अब एल्बम का दौर चेंज हो गया है, अब तो यूट्यूब और आ गया, एक गानों को लेकर इतने खर्च और इतने, तो कैसा इतना जो खर्च होता है तो क्या वास्तव में वो अपना वापस आता है? यूट्यूब से उनका नाम हो जाए, वो एक आर्टिस्ट के रूप में जाने जाने लगे, पुरस्कार पाने के बाद अपना वजन बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, तो कैसा लग रहा है? तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि आप हर बार पिछले से कुछ बेहतर करें। पर आज के जो युवा हैं वो कई लोग इस चीज़ को जानते नहीं कि किशोर साहू हैं कौन और किस तरह, तो उन पर थोड़ा सा। किशोर साहू जी को सबसे अच्छे से अगर जाना जा सकता है तो फिल्म गाइड में जो मार्को की भूमिका उन्होंने की थी, टोपी वाले जो बने थे, वहीदा रहमान के हस्बैंड बने थे वो। चीज़ की खुशी हो रही थी कि छत्तीसगढ़ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पहली बार। नमस्कार रफ्तार मीडिया के दर्शकों को, मैं आपका होस्ट स्वरूप भट्टाचार्य। आज हम ऐसे शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिनका परचम ऐसा नहीं है कि कोई जैसे नहीं जानता हो, हर कोई जानते हैं, बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, ग्राम से लेकर शहर तक। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय स्तर के पहचान बनाए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म के जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, लेखक हैं, क्या क्या नहीं किए हैं, यहाँ तक कि इन्होंने इनका जो स्वर है वो लोगों को इतना भाता है कि पूछिए मत। तो हम सीधे अब रूबरू होते हैं मनोज वर्मा जी से। सबसे पहले आपको रफ्तार मीडिया की ओर से नमस्कार। थैंक यू स्वरूप भाई। मैं सबसे पहले ये आया हूँ आपसे मिलने के लिए, लोगों को आपसे रूबरू करवाने के लिए। ऐसे तो कई लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ नया जो है रफ्तार मीडिया के जरिए आप कुछ नया जो लोगों के बीच वो पहुँचे, क्योंकि छत्तीसगढ़ को बने 24 साल हो गए हैं। इन 24 सालों के सफ़र में आपने बहुत कुछ ऊंच नीच, उतार चढ़ाव सब कुछ देखा है आपने जी। तो सबसे पहले हम आपकी शुरुआत जो करते हैं, आपके बचपन से लेकर शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो कार्यक्रम है, आपको बता दें कि ये फेस ऑफ छत्तीसगढ़ हमारे कार्यक्रम का नाम है। छत्तीसगढ़ का जो मेन फेस होता है उनको लेकर हम आज आपके बीच आते हैं। तो आज हमारे फेस हैं मनोज वर्मा जी। तो धीरे धीरे आप शॉर्ट में उस चीज़ को बताएंगे कि बचपन आपका कैसे गुजरा और कैसे आप पहुँचे यहाँ। देखिए, बचपन में मैं वैसे पहले बहुत से इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ सब डॉक्टर्स फैमिली है, और चूँकि कायस्थ परिवार से हैं तो हमारे यहाँ स्पेशली स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। और हर जगह मतलब हमारे यहाँ ये कलम और दवात की पूजा की जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज रहता है वो पढ़ाई पे रहता है। तो घर वालों का कभी ऐसा रहा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहें, लेकिन मेरा बचपन से ऐसा रहा कि मैं हमेशा से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे दूसरे आर्ट और क्राफ्ट हो, ये सारी चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रहा मेरा। पढ़ाई में ऐसा लगता था मुझे पास होने के लिए पढ़ना है, तो उतनी ही तैयारी करता था और उतना ही पढ़ता था। तो इस तरीके से रहा ज़रूर, और कहना चाहिए कि बचपन में मदर फादर मेरे नहीं रहे थे, तो हम नाना जी के पास रहे, डॉक्टर जी पी श्रीवास्तव, वो मेरे हार्ट स्पेशलिस्ट थे यहाँ के। उनके पास हमारा पूरा बचपन गुजरा, और बड़े भाई डॉक्टर अनूप वर्मा जो हैं वो उनके कदमों पर हम लोग चलते रहे हैं। वो भी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी रहे हैं शुरू से, चाहे स्पोर्ट्स में ले लीजिए उनको, तो हम उनके पीछे पीछे देखते जाते थे कि ये ऐसा खेल रहे तो हम भी ऐसा खेलें, लेकिन हाँ ये कभी कॉपी नहीं किए कि वो ऐसा पढ़ रहे तो हम भी ऐसा पढ़ लें। तो ये चीज़ें थोड़ी सी रही हैं।
लेकिन वो पहले थे जिन्होंने मुझे बोला कि तू गाता अच्छा है, तू जा कर के ज़रा कुछ म्यूज़िक व्यूज़िक का क्लास कर। तो पहली बार फिर हम मेरे ख्याल में मैं सेकंड ईयर में रहूँगा जब मैंने कमला देवी संगीत महाविद्यालय ज्वाइन किया और वहाँ से क्लासिकल म्यूज़िक हम लोगों ने सीखना शुरू किया। तो वो क्लासिकल करने के बाद में फिर जब ये हो गया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी चाहिए अब और कॉम्पिटिशन्स में जाना चाहिए। तो पीएससी की तैयारी और बैंक की तैयारी ये सब तैयारियाँ की, तो पहली बार पढ़ाई की। और लेकिन बोलते हैं ना कि आप कुछ मतलब सोचते हैं रोजगार पाने के लिए आपने मेहनत किया फिर। बिल्कुल, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिस समय भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है ये आपको मालूम नहीं होता है। आप अपने तरीके से बहुत प्रयास करते रहते हैं, अलग अलग जगहों पे प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जो डेस्टिनी आपके लिए लिखी होती है आप वहाँ पहुँचते हैं। तो मैंने काफ़ी तैयारी की पीएससी की, और मैं ये भी बोलता हूँ कि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो वो जितनी तैयारियाँ हमने की थी वो आज जीवन में हमारे बहुत काम आ रही हैं, चाहे वो राइटिंग में ले लीजिए आप, चाहे डायरेक्शन में ले लीजिए आप। तो जितने ज़्यादा वाइड एंगल में आपने काम किया होगा पहले या जितना पढ़ाई की होगी वो आपके प्रेजेंट में जो आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होती है। तो वहाँ से फिर ये हुआ कि बहुत तैयारी किया, सब कुछ किया, लेकिन होना नहीं था तो नहीं हुआ वहाँ। फाइनली भैया ने मेरे को बोला, अनु भैया ने, कि तुम यार हम नर्सिंग होम खोल रहे हैं, तुम यहाँ पे मेडिकल स्टोर शुरू करो। तो वहाँ से हमने रिटेल मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ बेचने का काम शुरू किया। तो वो बिज़नेस पहली बार, मतलब कहना चाहिए हमारे फैमिली में भी किसी ने बिज़नेस नहीं किया था, तो आई वॉज़ द फर्स्ट पर्सन टू एंटर इन टू बिज़नेस। और फिर वहाँ से मेडिकल स्टोर से गाना बजाना चालू था मेरा। मैंने आकाशवाणी के लिए ऑडिशन का भरा, वहाँ से पास हुआ तो फिर आकाशवाणी से गाता रहा काफ़ी साल तक, अभी भी चल ही रहा है। तो वो छूटा नहीं था मेरा। तो 8-10 साल जब हो गए तो मुझे ऐसा लगा कि एक स्टूडियो जो है वो गाने के लिए खुलना चाहिए। मतलब उतना ज़्यादा मुझे प्रोफेशनली मैं उसमें जा पाऊँगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था कि हाँ यहाँ पर एक वैक्यूम है अच्छे स्टूडियो की। तो मैंने भैया से ही बात की कि मैं चाह रहा हूँ कि एक स्टूडियो चालू करूँ, और मुझे ऐसा लगता था कि कोई बड़ा काम नहीं है, मैं अपना दुकान संभालते रहूँगा, जब रिकॉर्डिंग होगी तो इधर आकर के देख लिया करूँगा, ऐसा मेरे दिमाग में था। लेकिन जब मैं यहाँ स्टूडियो शुरू किया, उसके बाद मतलब स्टूडियो शुरू किया मैं, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं आसानी से कर लूँगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं। छत्तीसगढ़ भी उस समय युवा ही था, छत्तीसगढ़ बिल्कुल शुरुआत हुई थी, इसलिए मुझे लगा कि बड़ा वैक्यूम है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ी गानों की बहुत डिमांड है। तो एल्बम्स बहुत बन रहे थे, बहुत से लोग, मतलब जिस लेवल का काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करते थे, करते करते फिर कुछ एल्बम्स वगैरह का काम आया। मुझे ऐसा लगा कि फिल्म के लिए कोई ऐसी जगह हो कि हम यहाँ पर रोक सके लोगों को। सारे लोग मुंबई जा रहे थे उस समय, फिल्में बननी शुरू हो गई थी, सतीश जैन जी फिल्म बना रहे थे, प्रेमचंद्राकर जी फिल्म बना रहे थे, और भी कुछ लोगों ने बनाई थी, लेकिन वो बाहर जाते थे काम कराने के लिए। तो उस चीज़ को सिर्फ प्रूफ करने के लिए हमने एक बहुत सस्ती सी फिल्म बनाई थी, बैर, और वो धीरे धीरे मैंने उसमें एडिट करना सीखा कि भाई किस तरीके से एडिट होना चाहिए फिल्म को। वो एडिट करने के बाद में उसको सतीश जैन जी देखे फिल्म को, और उनसे मेरी चर्चा, उन्होंने बोले मैं यहीं पे तुम्हारे यहाँ एडिट करूँगा और अगली फिल्म मैं इसी फॉर्मेट में बनाऊँगा जिसमें तुमने बनाया, ताकि सस्ते में फिल्म बन सके। अच्छा। तो वो HDV फॉर्मेट था और उस पर हमने फिल्म बनाई थी, और फिर उन्होंने बनाई मया, तो वो मया मैंने एडिट की थी, तो वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई। सस्ते में कैसे, किस तरह से फिल्म बनेगा वो आपने लोगों को दिखा दिया, अब लोगों को मतलब चस्का चढ़ गया कि फिल्म बनाना है। उसका फ़ायदा तो हुआ हुआ, नुकसान भी काफ़ी हुआ हमारे को, क्योंकि सस्ते में फिल्म बनाने से बहुत से ऐसे लोग आ गए जिनको फिल्म से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ सस्ती है फिल्म, इस वजह से फिल्में बनने लगी। तो उसका एक नुकसान इंडस्ट्री को ज़रूर हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो सही में टैलेंटेड थे, उन लोगों को एक मौका मिल गया कि भाई हम सस्ते में काम कर सकते हैं, पैसे उनके लिए रुकावट उस दौर में कई फिल्में जैसे आती थी 2000 के बाद, धीरे धीरे एल्बम का हुआ, फिर फिल्मों का हुआ, फिर उसमें कई फिल्में ऐसी भी हुई होंगी जो पिक्चर रिपीट गई, या जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको उनका पैसा वापस भी नहीं आया, तो इस तरह भी आप देखा होगा वो दौर। नहीं नहीं बिल्कुल, वो चीज़ें तो रहती हैं। देखिए ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हमारी इंडस्ट्री चल रही है। शुरुआत से हम देखें तो लोगों को हमेशा अभी तक के सब्जेक्ट चूज़ करने में बहुत दिक्कत रही है कि एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है जो चलेगा, तो उसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की, कुछ अपने हिसाब से फिल्में बनाते रहे। तो दूसरा एक ये हुआ कि सस्ता होने के कारण सीख करके जो बनाने वाले लोग हैं वो लोग कम हो गए।
हम लोग के समय पे कोई स्कूल नहीं था, कोई स्कूलिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, तो हम तो सब ऑनलाइन पढ़ पढ़ के या अपनी फिल्मों को देख के या पुरानी दूसरी फिल्में देख करके सीखने की कोशिश की है, और हर पिछली फिल्म से सीख करके अगली फिल्म बनाते थे। इस तरीके से करते 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 थोड़ा बहुत सीख पाए हैं फिल्म बनाना। तो ये मतलब मेरा अब यहाँ पे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस आ गए हैं, मास मीडिया के कॉलेजेस हैं, फिल्म मेकिंग के कॉलेजेस हो गए हैं, तो मेरा ये कहना है कि भैया सीख करके आएँ। और उस समय भी मतलब जो फिल्में आप बोल रहे हैं कि जिन्होंने अपना पैसा नहीं निकाला, आज भी है कि अगर फिल्म ठीक नहीं बनेगी आपकी तो सही में पैसा नहीं निकलेगा। तो लोगों का टेस्ट बदल चुका है। किसी बंदे को ढाई घंटे आप टॉकीज़ के सामने बैठा पाना बहुत कठिन है। उस समय जब आपके पास रील का ज़माना है, आप एक एक सेकंड में रील चेंज करते हैं, आपको मतलब एक रील 30 सेकंड की है, आप 30 सेकंड भी नहीं देख पाते उसको, तो पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। तो ऐसी फिल्में बनाना बहुत कठिन है जो आपको 3 घंटे रोक सके टॉकीज़ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। कैसा लगता है कि 24 साल का जो छत्तीसगढ़ है आज, वो किस तरह से कितना चेंजेस आया, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर फाइनेंशियल हो या फिर और भी बहुत कुछ इनपुट हैं उसमें जो चेंज होता है, जो वो ज़्यादा आप बता पाएंगे तो दर्शक वही जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो टेक्निकल चीज़ें हमारी जो थी वो काफ़ी बदली हैं। लोगों का अप्रोच फिल्म के प्रति वो चेंज हुआ है। कैमरेज जो हम शुरुआत में सस्ते कैमरेज लेते थे, जिससे जो एक लुक आता था तो एकदम से डिफरेंस दिखता था कि हिंदी फिल्म ये अलग दिखती है, छत्तीसगढ़ी सिनेमा अलग दिखता है, तो वो चीज़ से बचने के लिए अभी जितने लोग हैं वो मैक्सिमम वो कैमरेज यूज़ कर रहे हैं जो हिंदी फिल्मों में यूज़ होते हैं, जैसे रेड है या एरी है। हालांकि खर्च इसके कारण बहुत बढ़ा है। आर्टिस्ट जो हैं वो जो उनका एक जो रेम्यूनरेशन होता था उस समय पे, उसका कई गुना आज ज़्यादा हो गया है। अब आप सारी टेक्निकलिटीज़ के साथ में फिल्म शूट कर रहे हैं प्रॉपर, मतलब एक प्रॉपर DOP है आपका, प्रॉपर आपके पास में फोकस पुलर्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, एक प्रॉपर टीम है जो एक फिल्म के लिए लगती थी। पहले एक ही आदमी सारे काम करता रहता था, तो ये चेंजेस एक बड़ा चेंज मैं देखता हूँ। दूसरा कॉस्ट्यूम की जहाँ तक बात है, तो कॉस्ट्यूम तो ऐसा है कि समाज से ही हम लेते हैं सारी चीज़ें। लोगों का ज़रूर कहना है कि आप लोग जो है वो जीन्स टी शर्ट में लड़कियों को दिखाते हैं या मॉडर्न कपड़ों में दिखाते हैं, ये हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ आप मेरे साथ गांव में चलो, आप गांव चल करके देखो और मुझे बताओ कि कौन सी बच्ची जो है वो अभी ऊंची साड़ी पहन के घूम रही है, या सलवार कुर्ते में भी आजकल कम देखने को मिलते हैं, जींस टी शर्ट, मतलब जो चल रहा है वो चीज़ आप दिखाते हैं। भूलन जैसे हमने दिखाई थी फिल्म, भूलन में जो गाँव का परिवेश था वो गाँव का परिवेश था, वो गाँव आज भी वैसे गाँव हैं, तो जो जैसा है उसको वैसा दिखाने में मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें कोई गलत है। कुल मिलाकर पिक्चर की जो मांग होती है, जैसे स्टोरी रहती उस हिसाब से उसमें कॉस्ट्यूम से लेकर हर चीज़ नहीं। और दूसरा समाज का आईना है फिल्म जो है, तो जब आप समाज से कोई चीज़ ले करके दिखा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो लोग, समाज जो है वो फिल्म से भी बदलाव आता है उसमें, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि शायद हो सकता है हमारी फिल्में देखने के बाद उन गांवों में जहां पर वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते वहां पे शायद शुरू कर दें, या हो क्या ऐसा हो सकता है कि भूलन देखने के बाद गांव वाले साड़ी पहनना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और परिवेश जो है वो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, तो अगर हम उसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हम बहुत पुराना सिनेमा दिखाने की कोशिश करेंगे जो आज की डेट के हिसाब से रिलेवेंट नहीं होगा। दूसरा कि एल्बम का एक जो दौर था, जो हम लोग देखते थे एक CD होता था जिसमें 8 गाने होते थे, पर अब एल्बम का दौर चेंज हो गया है, अब तो यूट्यूब और आ गया, एक गानों को लेकर इतने खर्च और इतने, तो कैसा इतना जो खर्च होता है, तो क्या वास्तव में वो अपना वापस आता है या लोग सिर्फ शौक से कर रहे हैं इसको? इसमें दोनों चीज़ें हैं, कुछ एमेचर्स भी हैं जो सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं कि यूट्यूब से उनका नाम हो जाए, वो एक आर्टिस्ट के रूप में जाने लगें। और देखिए एल्बम से या उस समय जो CDs बनती थी, DVDs बनती थी, उस समय 8 गाने वाली जो चलती थी, एक बार पहले कैसेट्स हुआ करते थे कि 4 गाने A साइड 4 गाने B साइड, और उसी का दौर ख़त्म हुआ, उसका दौर ख़त्म हुआ, CD का दौर शुरू हुआ, तो उसमें 8 गाने आ जाते थे। अब क्या हो गया है कि आप जितना खर्च आप 8 गानों में करते थे, आज वो खर्च आप 1 गाने पर करते हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर गाना बनाऊं और उसको YouTube पे डालूं। अगर YouTube में गाना चल गया तो उससे पैसा आ ही जाता है उनको। कई ऐसी कंपनीज हैं जो अच्छे गानों को ख़रीद रही हैं,
इवन जी छत्तीसगढ़ जो शुरू हुआ था वो हमारी फिल्म महू कुंवारा तहू कुंवारी से शुरू हुआ था और आज वो कहाँ पहुँच गया है, उसमें बहुत से ऐसे गाने लोग दे रहे हैं, अब वो परचेज़ भी कर रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने फ्री में मांगा, बहुत सारे गाने उन्होंने फ्री में मांगे तो लोगों ने दिया क्योंकि वो चाहते थे कि उनका प्रमोशन हो। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अच्छे सिंगर के रूप में वहाँ इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो आपको प्रोग्राम्स मिलते हैं, तो आप प्रोग्राम्स के थ्रू आप कमा लेते हैं, तो इसके कहीं ना कहीं कहना चाहिए हिडन जो है वो फ़ायदे बहुत हैं। सामने सामने तो आप जितना भी बता दें। तो हम मनोज जी से आप सीधे अब रूबरू होते हैं और उनसे अब कई राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य स्तरीय पुरस्कार, कई ऐसे नवाजे गए हैं आप, तो क्या लगता है कि एक वजन जो है एक पुरस्कार पाने के बाद अपना वजन बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, तो कैसा लग रहा है? क्योंकि सबसे पहले तो किशोर साहू सम्मान जो आपको मिला था, जो पहला सम्मान था छत्तीसगढ़ के लिए, वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार भी यदि बात करें हम बुलंद मेज के लिए, उसमें भी छत्तीसगढ़ को पहला सम्मान मिला था, अब पहले व्यक्ति हैं जो मनोज वर्मा है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए सम्मान से आदमी प्रोत्साहित होता है और प्रोत्साहित होता है कुछ बेहतर काम करने के लिए। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं हमसे कि भाई ये इस बार भूलन बनाए तो शायद और कुछ अच्छा बनाएगा, तो इस बात से मैं सहमत हूं कि जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती हैं जब आपको किस राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार अगर प्राप्त हुआ है या राज्य अलंकरण है आपके पास में, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं कि आप हर बार पिछले से कुछ बेहतर करें। बाकी अगर पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो ये आपके रास्ते में आने वाली उपलब्धियां हैं, जो जब आप काम करते चलते हैं तो आप ये मान के नहीं चलते कि मुझे पुरस्कार के लिए काम करना है, आप अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और उसमें अगर ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो आप उससे सम्मानित ही होते हैं। जैसे ये कहा जाता है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते करते जब हमको रिजल्ट आता है, उसमें जब फर्स्ट डिवीज़न है या जब होता है तो एक अलग एक, तो उसी तरह से ये सम्मान को भी यदि जोड़ा जाए उसमें तो उसी तरह ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका मैं बताया ना, सोच बदल जाती है कि आप कुछ हल्का काम करने के पहले 10 बार सोचते हैं कि नहीं, आपसे लोगों की अपेक्षाएँ कुछ अलग हैं और अगर आप फर्स्ट डिवीज़न आए हैं तो अगले बार हो सकता है मेरिट में आए, ये लोगों को हमेशा ये लगा रहता है कि नहीं ये अच्छा खिलाड़ी है ये अच्छा खेलेगा, तो बस वैसे ही है, समझ लीजिए कि आपने एक फिल्म अच्छी बनाई है तो लोगों को हमेशा आपसे उम्मीद रहेगी कि अगर ये बंदा ऐसी फिल्म बना सकता है तो और बेहतर भी बना सकता है, तो ये अपेक्षाएँ रहती हैं। किशोर साहू सम्मान को लेकर मैं बात करूँगा क्योंकि किशोर साहू जी जो हैं वो एक तो छत्तीसगढ़ के हैं पर आज के जो युवा हैं वो कई लोग इस चीज़ को जानते नहीं कि किशोर साहू हैं कौन और किस तरह, तो उन पर थोड़ा सा फोकस करें। किशोर साहू जी को सबसे अच्छे से अगर जाना जा सकता है तो फिल्म गाइड में जो मार्को की भूमिका उन्होंने की थी, टोपी वाले जो बने थे, वहीदा रहमान के हस्बैंड बने थे वो हैं किशोर साहू जी, और उन्होंने बहुत सी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है, वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी थे। एक फ़ोटो है उनकी जिसमें वो ऐसे बैठे हुए हैं और राज कपूर जी ज़मीन में उनके साथ बैठे हुए हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किशोर साहू कौन थे। मयूर पंख, ऐसे बहुत से, हरी कांच की चूड़ियाँ, ऐसे बहुत सारी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं, प्रोड्यूस किए हैं, तो वो एक छत्तीसगढ़ के वासी हो करके और कुछ समय तक वो यहाँ रहे, उसके बाद नागपुर चले गए, नागपुर से फिर वो बॉम्बे गए और बॉम्बे में जा करके उन्होंने फिर फिल्म निर्माण का काम किया, डायरेक्शन का काम किया, तो वो एक यहाँ के बहुत बड़े कहना चाहिए लेजेंड रहे हैं और उनके नाम से ये पुरस्कार शुरू करके बहुत बड़ा काम सरकार ने किया। राष्ट्रीय पुरस्कार की हम बात करते हैं, बुलंद मेज एक आपने बनाया, एक सोच लेकर बनाया, जब आपके पास नॉमिनेट, आपका नाम जब नॉमिनेट हुआ उस समय आप मन में किस तरह का चल रहा था, जब दिल्ली आप जब जा रहे थे? सही बताऊं तो मुझे उस समय तक के ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लग नहीं रहा था, मैं इवन अंदर बैठा था तो मुझे एक ही चीज़ की खुशी हो रही थी कि छत्तीसगढ़ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पहली बार, तो वो एक बहुत बड़ी खुशी थी। मुझे जब पता चला तो वो तो शायद ऐसे कहीं से कोई फ़ोन नहीं आया कि आपका जो नाम है वो फिल्म इसमें नॉमिनेट हुई है, एक न्यूज़ चैनल का फ़ोन आया मुझे सीधा बाइट लेने के लिए कि मनोज जी आपकी बाइट चाहिए। मैंने किस बात के लिए, अभी तो आप लोग लेके गए थे बाइट 2 दिन पहले ही,
तो बोले नहीं आपकी फिल्म को जो अवार्ड मिला उसको, मैं बोला मुझे अभी अभी रिसेंट मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है। तो उन्होंने बोला कि अरे भाई आपकी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है। मतलब कौन सी फिल्म को? बोले भूलन द मेज को। मतलब क्या बात कर रहे हो आप? बोले अरे आप देख नहीं रहे क्या, न्यूज़ में चल रहा है। मैं बोला मैं बिल्कुल नहीं मालूम, मैं नीचे ऐसे घूम रहा था उस समय। तो मैं बोला अच्छा, मैं थोड़ा सांस ठीक कर लूँ। उसके बाद फिर बोले आप वो ठीक है, आपको मैं जोड़ रहा हूँ, आप लाइव आइए और आपसे मैं थोड़ा सा बाइट लेना चाह रहा हूँ। मतलब ठीक है। तो उनको बाइट देने के बाद मैं फिर सीधा भागा, पहले सतीश भी यहीं पे थे, उनको सबसे पहले बताया, फिर वहाँ से घर गया, घर में सबको बताया। वो अलग ही एक माहौल था दिल्ली में। ज़रूर मैं बोलूँगा कि मतलब यहाँ पर इतना उस समय हुआ कि एक सेकंड भी खाली नहीं हो पा रहा था, कि इतने फ़ोन कॉल्स, इतनी बधाइयाँ, और न्यूज़ वाले हमेशा पूछते थे कैसा लग रहा है आपको। मैं बोला आप लोग मुझे कुछ लगने नहीं दे रहे हो। मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं थोड़ा सोच सकूं कि भाई मैंने कुछ पाया है। लेकिन आप लोग इतना उस समय कंटिन्यू इंटरव्यूज़ और ये हो रहा था कि 3 दिन तक के मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फाइनली खैर दिल्ली में मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि दिल्ली में जब वहाँ पे हम गए और एक अलग ही उसमें आप बहुत वीआईपी फील कर रहे थे उस समय, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ रुके थे, ताज में आपको रोका गया था, सारी चीज़ों की सुविधाएं वहाँ पे। और वहाँ जाने के बाद समझ में आया कि कंपटीशन बहुत हार्ड था, जिस तरीके से मेरी वहाँ बातचीत हुई कि कितने राउंड्स के बाद आपकी फ़िल्म कहाँ पहुँचती है, तो वो जानने के बाद लगा कि नहीं कुछ ठीक ठाक फिल्म बन गई है और लोगों को पसंद आएगी। वहाँ पे भी लोगों ने जिन्होंने मतलब जो जूरी में थे, मनोज जोशी जी ऐसे, मुझे मालूम नहीं था कि ये जूरी मेंबर हैं, वो मैं ऐसे जाकर के मिला कि सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरी फिल्म भी यहाँ पे आई हुई थी, आपसे मिला हूँ मैं, आपको याद है क्या? तो देखे पहले, बोले मैं रिकलेक्ट नहीं कर, आपकी फिल्म कौन सी, वो घुमरो घुमरो ऐसे बोले। मैं बोला घुमरो नहीं सर, भूलन। हाँ बोले क्या फिल्म बनाया हो यार? तो मैं बोला आप कहाँ देख लिए? अरे वो जो फाइनल जूरी में मैं था। बोले तब मेरे समझ में आया कि अच्छा फाइनल जूरी अलग है। फिर वो पता चला कि 3-4 अलग 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 उसमें कई राउंड्स होते हैं, उस राउंड्स के बाद में आप फाइनल राउंड तक पहुंचते हो। तो ये जान करके बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करने को मिला। और सबसे बड़ी खुशी यही हुई थी कि छत्तीसगढ़ से पहली बार कोई फिल्म वहाँ पर पहुँची थी और वहाँ नाम तो दिखाया कि हाँ छत्तीसगढ़ में सिनेमा बन रहा है, मैंने छत्तीसगढ़ ने अपना परचम लहराया जी। तो अब इस तरह से एक फिल्म का दौर जो चलता रहा भूलन द मेज के बाद, अब इतना जो दौर जो खाली का था, जैसे बॉलीवुड में आमिर खान को बोला जाता है कि बड़े चूजी हैं, तो आप भी लग रहा है कि उसी तरह से चूजी हैं। और अब नया फिल्म कौन सा आ रहा है आपका? अभी हमने एक फिल्म शूट की है, ये फिल्म लोक कथा पे आधारित है और कमर्शियल भी है वो, और जो चीज़ उसमें चाहिए, महिला प्रधान बोल सकता हूँ मैं इस फिल्म को, हमारे यहाँ की कुछ कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को उजागर करती हुई ये फिल्म होगी। और एक अद्भुत संदेश इस फिल्म में है, अद्भुत संदेश जो मैं, ये ऐसी लोक कथा मैं कभी नहीं सुना था, मतलब शायद ये कहानी किसी ने नहीं सुनी होगी, इस तरीके की कहानी है ये। तो इस पर हमने अभी फिल्म की है, बहुत कठिन सब्जेक्ट उठा लिया हूँ मैं, क्योंकि इसमें ग्राफिकल वर्क भी काफ़ी ज़्यादा है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म जो है ये लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि एकदम अलग ढंग की फिल्म है। इसमें हमने गरिमा को लिया हुआ है, गरिमा दिवाकर जो हैं वो NSD पास आउट हुई है अभी, फोक के लिए बहुत बहुत नाम है बच्ची का, तो वो उसमें काम करी। मन कुरैशी हैं जो यहाँ के लीड आज की डेट में सुपरस्टार हैं। दीक्षा जो हैं ये आज की डेट में, आज की डेट में ये सुपरस्टार है। तो अच्छे आर्टिस्टों के साथ में ये फिल्म बनी है और मैं तो बोलूँगा, मतलब ये फिल्म अभी चल रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है इसका, 6 दिसंबर को आने की ये फिल्म है। तो आप लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। तो चलते चलते सबसे पहले ये आपके जो सुमधुर जो आवाज़, क्योंकि गज़ल के लिए आप जाने जाते हैं, दूरदर्शन में भी आप जाते हैं, बाकायदा लोग वहाँ भी आपकी पहचान जानते हैं, हमारे भी दर्शक चाहेंगे कि मनोज वर्मा से एक गज़ल तो सुना जाए। जी जरूर, मुखड़ा ही से। मदन चौहान जी का कंपोजिशन है ये। मैं इस उम्मीद पे डूबा के तू बचा लेगा, मैं इस उम्मीद पे
डूबा के तू बचा लेगा। अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा, मैं इस उम्मीद पे डूबा के तू बचा लेगा। जो आपने उम्मीद जो जगाई है वो सभी के जीवन में, चाहे वो किसी भी फील्ड में रहें, चाहे हम हैं आप हैं, उम्मीद के बिना कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद से पूरी दुनिया कायम है, तो इस तरह हम भी उम्मीद करते हैं कि मनोज वर्मा जी फिर से राष्ट्रीय पुरस्कार लाएं, छत्तीसगढ़ का और नाम पूरे विश्व में दें, तो इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती हमारे छत्तीसगढ़ के लिए खासकर। तो आज फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में बस यहीं तक, अगले कड़ी में फिर हम दूसरे शख्सियत से फिर मिलेंगे। तब तक दें मुझे इजाज़त, मेरी टीम के साथ नमस्कार।